वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है ईद, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। सो अभी मैं नहा के उठ चुकी हूँ और मैंने अपना पुराना ही कपड़ा पहन लिया, क्योंकि अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं न्यू पहनूँगी, क्योंकि उस साल मेरा बहुत ही गंदा हो चुका था, पूरा इसी में गिर गया था जो भी था। और देखो मैंने मेहंदी भी लगाया, लाल हो गया। मैं आपको दिखाऊँगी अच्छे से अपने आउटफिट के साथ, पहले मैं आती हूँ ड्रेसअप करके। ओके सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरा आउटफिट है वाइट वाइट, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि वेट थोड़ा सा। आउटफिट तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे हाँ, मैंने न्यू जूती भी लिया वाइट कलर का, उसमें मैंने पहन के दिखाया नहीं, बट देखो ये मेरा कॉर्नर, ये बेबी डॉल बहुत पहले की है देखो, और यहाँ पे लव लिखा है बस आप लोगों के लिए। ओके सो मेरा आउटफिट आप लोग कमेंट अगर ऑन रहा तो प्लीज़ बताना कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखो डेकोरेशन तो घर का हो गया है, अच्छे से कर्टन्स लग गए हैं और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लग गया, सजा गया देखो ऊपर, अभी कलर हुआ है। और यहाँ पर टी वी मत देखो आप लोग, देखो यहाँ पर ये वाला छोटा छोटा सा रखा गया इसके अंदर, ये देखो चॉकलेट्स है, अभी पता चला मुझे इमली वाले बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, ये मुझे बहुत पसंद है, ये खुल नहीं रहा है। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो मैं आपको और दिखाती हूँ, अभी तो प्रिपरेशन चल रही है घर खाना बनाने की, बन भी चुका है बहुत कुछ, मम्मी ने रात ही को बना के रख दिया था, कल रात को हम लोग 4:30 बजे सोए थे। सो जस्ट मुझे तो मेरा आउटफिट बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब अंदाज ही मैंने कुछ भी कर दिया मेकअप, देखो कोई भी कलर का, बट देखो मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। और ये मेरा न्यू ब्रेसलेट देखो, और मेहंदी, मेहंदी तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, अच्छा दिख रहा है। और आप लोग बताना आपका ईद इस साल का कैसा गया, और पूरा ज़रूर देखना वीडियो को प्लीज़। सो मैं आपको और दिखाती क्या क्या होता है, हम लोग बाहर भी जाएंगे घूमने के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी। ओके तो बने रहना वीडियो पे। फ्रेंड्स अभी मैं खा रही हूँ शीर खुरमा, जो कि मुझे बहुत पसंद है, देखो बहुत टेस्टी है, आप लोग भी खाओ, बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं अपने कोलकाता वाले फ्रेंड्स से और रिलेटिव से अभी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया इतना दिनों बाद बात करके उन लोगों से। अभी मैं शीर खुरमा खा रही हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया चिकन और पूड़ी, बट मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। पता है फ्रेंड्स, अभी तक एक भी पर भी नहीं मिला मुझे, एक भी ईद ही नहीं मिला, पूरा पर्स खाली है मेरा, अब पता नहीं कब मिलेगा। आप लोग को अगर ईद ही देना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तो हम लोग बैठे हुए फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर मम्मी है और यहाँ पर ये और यहाँ पे बहुत कोई है, देखो बच्चा ये क्यूटी है, देखो ये भी रेडी हो चुकी है, जल्दी से फ्लैंकिश दे दो, फ्लैंकिश और दे, ये मेहंदी भी लगाई है देखो, ये मेहंदी भी लगाई है, ये आप लोग को दिखा रही है, फ्लैंकिश दे दो, फ्लैंकिश हाय कर दो, हाय हाय, ये बोलती बहुत अच्छा है, बता आपको। अभी अपने भाभी के घर पे नाश्ता कर रही हूँ, देखो यहाँ पे नाश्ता है पूड़ी और चिकन, जबकि मैं कर चुकी हूँ, पर मैं बहुत जल्दी नाश्ता की थी तो अब मुझे भूख लग रहा है। यहाँ पे देखो हेलो, ये भी कर रही है, तो मैं आपको मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। फ्रेंड्स अभी मैं शाम हो गया, मैं सोची थी अपना आउटफिट चेंज करने, बट जैसा कि अब आज सरूल भी है तो लाइन नहीं है, तो इसलिए मैंने चेंज ही नहीं किया, यही पहन के रहूँगी, क्या चेंज करना, आप लोग बताना आप लोगों का ईद कैसा गया। ओके सो अभी तो हम लोग जस्ट बैठे और कुछ नहीं कर रहे, सोचे थे हम लोग मेला लगा है यहाँ पर जाने के लिए, बट सरूल है ना तो कल ही जाएँगे सेकेंड ईद के दिन, तो मैं आउटफिट भी अपना चेंज नहीं कर पाई फर्स्ट डे का। सो अभी मैं देखती हूँ आगे क्या करते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं फ्रेंड्स, बट क्या करें, बट आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ओके कुछ भी हो सकता है, अभी देखो बाहर बिल्कुल भी लाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके
देखो एक भी लाइन नहीं, और बहुत शोर भी हो रहा है पीछे, सुनना सब सरूल का शोर हो रहा है, एक भी लाइन नहीं है। मैं जस्ट देखो बैग लेके रखी हूँ, वैसे तो बहुत कोई ने दिया मुझे ईदी, और आप लोग भी देना चाहते हो तो आप लोगों को तो पता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके सो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा घर में, और हम लोगों ने खाया बहुत सारी चीज़ें, अभी कोई मेहमान भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बस लाइन ही नहीं है, कौन आएंगे। सो अभी मेहमान आ गए घर में और लाइन भी आ गया, क्योंकि पता नहीं कैसे इतना जल्दी आ गया। तो यहाँ पर अभी स्टेशन चल रही है, देखो यहाँ पे अभी जब मेहमान लोग को नाश्ता लगेगा मैं आपको दिखाऊंगी। मिलने कभी नहीं आई थी मैं 25 साल में, पहली बार आजाद बस्ती आई हूँ, गैस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बोरिंग लग रहा है, फिर भी मैं क्या करूँ, इधर आना पड़ेगा। झूठ बोल रही है बिल्कुल भी, अभी इतना सारा नीचे खा के अभी ऊपर भी खाएंगी और झूठ बोलती बोली, इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे लस्सी भी बन रहा है, देखो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, इसमें आइस क्यूब्स भी डलाया है। यहाँ पे लस्सी भी लग चुका है मेहमानों के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो मेरे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। अभी मैं पी रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत टेस्टी लस्सी था, मज़ा आ गया, बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा था, और अभी मज़ा आ गया छोला खाने के लिए। देखो मैं आपको मिलती हूँ खाने के बाद। फ्रेंड्स देखो यहाँ घर के बाहर लाइट भी डेकोरेशन हुआ है, लाइट का पूरे बाहर रोड तक भी हुआ है, और अभी हम लोग अपने कजन्स को जा रहे हैं ड्रॉप करने, वहाँ तक ज़्यादा दूर नहीं बस यहीं तक, और ये सब पिक ले रहे हैं ऊपर का, देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है। यही पेंट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग।